गुड मॉर्निंग, सेकेंड डे है आज कोटा में। और आज का प्लान ऐसा था कि सुबह उठने का प्लान था हमारा अर्ली, मतलब सुबह सुबह 6 बजे उठ के अपन गदरिया महादेव जाने वाले थे और उठे हैं सीधा 9 बजे। तो ऑब्वियस ही बात है, सनराइज देखने जा रहे थे तो वो देख नहीं पाते, तो प्लान कैंसिल करे। इवन कि हम लोग कैब भी बुक कर चुके थे जाने के लिए कि छोड़ो यार चलो अब चलते हैं, पर धूप इतनी ज़्यादा है आज, देख सकते हो धूप बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण कैंसिल ही कर दे। बोले अब सनराइज नहीं तो सनसेट देखेंगे, तो सीधा चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको गदरिया महादेव की लोकेशन। सही ब्रिज है देखो कोटा का फेमस, और ये राइट आप कॉमनली लोकेशन देखे हो ना गदरिया महादेव का, वो जस्ट यहाँ पे पीछे है। बस 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 आपको सिनेमैटिक में दिखाते हैं कैसी जगह है यार। मैं देख के आया अभी बीच से, मतलब एपिक सीनरी है, एपिक एकदम, मजा आ गई भाई। यहाँ छोड़ते हैं चलो ये जगह कोटा से सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स की दूरी पे है। मैं तो बोलता हूँ कि जो वर्ड, जो सुकून शब्द है ना, उसका अगर मीनिंग पूछा जाए तो ये जगह है उस शब्द का मीनिंग। मस्त बेहतरीन जगह है, एकदम सुकून भरा, शांति सा। मैं तो बोलता हूँ कोटा में जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, मतलब अपने पूरे जो एक साल का जो भी पीरियड रहता होगा आपके कोचिंग का, एक बार ज़रूर विज़िट करो यहाँ पे। आधा घंटा बैठो, जो सुकून मिलेगा ना, अलग लेवल की पढ़ाई होगी उसके बाद। सही बोल रहे हो, क्या ही सुकून मिलेगा। ओवरऑल सब चीज़ को ऐसे कंपाइल करें ना तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस मेरे लिस्ट में आ चुका है यार। मतलब ऐसे 5 मिनट बैठ जाओगे ना उसमें ही मज़ा आ जाएगा। सीन देखो, एकदम परफेक्ट सीनिक ब्यूटी है। और यहाँ पे शिव जी का टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल अभी जाएंगे नेक्स्ट, इसके बाद दिखाते हैं। वो शिव जी का टेम्पल है, वो भी एकदम ऐसे एज पे बना हुआ है वो टेम्पल भी। और यहाँ पे आप ना मगरमच्छ भी देख सकते हो, कछुए भी देख सकते हो, सब यहाँ पे नीचे यहाँ से अगर देखोगे तो। पर एकदम कॉर्नर पे भी रिस्क है जाना, मतलब मैं तो नहीं जा रहा, मेरे को डर लग रहा है। अरे बड़े खतरनाक जगह पे है मंदिर यार। ओ भाई देखो क्या एकदम छुपा हुआ मंदिर है यार, मजा ही आ रही है देख के।
मोर वाली लोकेशन देखे हो वो यहाँ पे पीछे में है, ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे है शिव जी का टेम्पल, देखो ये है शिव जी का टेम्पल, और ये जो अपना सीनिक व्यू था वो ये पीछे है मेरे, ये हल्का हल्का दिख रहा है, देखो पीछे ये सीनिक व्यू है। तो यही था अपना गरदिया महादेव की खूबसूरती और यहाँ का ये टेम्पल। खाना वाना खाने के बाद अचानक से प्लान बना, क्योंकि कल मेरा पापा जाने का ट्रेन है तो सुबह तो टाइम नहीं मिलेगा, 12 बजे का मेरा ट्रेन है, तो क्यों ना सेवन वंडर्स भी एक्सप्लोर कर लिया जाए, कोटा का फेमस है तो वही करने आए हैं हम सेवन वंडर्स में। और जैसा कि आप सबको मेरी सिनेमैटिक्स पसंद आती हैं तो आप सेवन वंडर्स भी सिनेमैटिक में ही एंजॉय कर लीजिए। इतना ही कुछ था इस ट्रिप में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग पे, कोई अगली सीरीज पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।